हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी को। आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे अपने घर में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 2 बज गए। मैं परी को अभी स्कूल से लेके आई हूँ और परी के लिए अभी खाना खा, वैसे परी ने खाना खा लिया। और परी कह रही मेरे को चाय चाहिए, कह रही मैं ही बनाऊँगी चाय। तो अभी ये चाय बना रही हूँ मैं ही। ये तो बस बैठ के ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है अपनी, चाय मैं ही बना रही हूँ। और फिर अभी करेगी अपना स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, फिर मैं इसको छोड़ के आऊँगी 4 बजे ट्यूशन। उसके बाद हम मिलते हैं आपको ट्यूशन के बाद। गाइस, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं ये अपनी शादी से पहले मैंने बनाई थी ये कान्हा जी की पेंटिंग। हमारे गांव में ना उधर बनाते हैं हापुड़ की साइड, तो मैंने ये वहाँ से ख़रीद के लेके आई थी हापुड़ से। ये मैंने पूरी ये कान्हा की उससे मोती से बना रखी है, मोती चिपका रखे हैं सब। ये मोर का पंख लगा रखा कान्हा का, ये तिलक बना रखा कान्हा का। ये मैंने देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है। इस पे मटके पे भी पूरी जरकन लगी है, इस पे स्टोन वगैरह लगा रखे पूरे मटके पे। और मैं पीछे दिखा दूंगी। देखो कितनी क्यूट सी मेरी पेंटिंग बनाई थी मैंने ये। और ऊपर से मेरे पापा अपनी ड्यूटी से ये वाला कैलेंडर भी लेके आए थे। उधर खाट श्याम बाबा का भी है, ड्यूटी से लेके आए थे। छपाई का काम करते हैं, प्रेस पेंटिंग छपाई का काम। और ये अपना ये प्रोजेक्ट बना के गई थी स्कूल में। ये अपना प्रोजेक्ट बनाया था और इसके बारे में परी ने सुनाया था और ये चेक करवाया था। मैं बनाऊंगी खाने के लिए थोड़ा सा मीठा। ये लिया मैंने आधी किलो घी और थोड़ा सा है इसमें नारियल कसा हुआ और इसमें काजू बादाम सब मेवा है। अभी मैं इनको सबको घी में भून लूँगी और जब आपको दिखाती हूँ। और इसमें हम खाने, अभी मैं कनी लेके आऊँगी, कनी लेके नहीं आई शाम को, तो फिर मैं कनी भून के फिर आपको सब मिक्स करके जब दिखाती हूँ। कढ़ाई भर के ये मखाने हैं 250 ग्राम। इनको भी मैं अच्छे से तेल से तेल में फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा और तेल घी घेर के, मतलब सॉरी घी घेर के फ्राई कर लेती हूँ। और ये मैंने घी घेर, इधर वाले घी घेर के ये फ्राई करके काजू और बादाम रख लिए हैं अभी। और अभी मैं ये मखाने कर रही हूँ और आगे वीडियो में बने रहना, अभी दिखाती हूँ। अभी ये मैंने ले ली थोड़े 1 पाव बादाम है ये। अभी मैं इन बादाम को भी थोड़ा कर रही हूँ, भूज रही हूँ इनको, फिर इनको सबको मैं मिक्स ही कर लूँगी थोड़ा लाल करके। ऐसे ही मैं साबुत साबुत भून रही हूँ इनको। अभी मैंने काजू, ये अभी मैं इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ, ब्राउन होते होने तक इसको लाल करूँगी थोड़ा सा बस। इसमें मैंने गोला और किशमिश दोनों मैंने भून लिया हल्के घी, मतलब थोड़ा घी घेर के, और ज़्यादा नहीं लगाई थी, पटपट बोलते ही अच्छी नहीं लगती वो, ज़्यादा फूली फूली सी, कम आँच लगा के। और ये मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया और ये सब मैंने यहाँ फ्राई करके रख लिया है। अब मैं इन्हें करूँगी सबको मिक्स ही और मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद। मम्मी ने ये घेर रही है गोला और ये किशमिश और बाकी सब मिक्स, और बाकी मिक्सी में पीस दिया था मम्मी ने। अभी उसको मम्मी मिक्स करेंगी और बूरा भी डालेंगी इसके अंदर। अभी अरे मम्मी मिक्स कर रही हैं। डाल रही हैं वाइट वाइट वाला बूरा डाल रही हैं मम्मी। इसमें अब सब कुछ मैंने डाल दिया, सब मैंने मिक्सी कर लिया था, काजू बादाम जो भी खाने का होता है सब मैंने मिक्सी करके इसमें डाल दिया। अभी इसमें मैंने रिलाई बूरा और गोला और किशमिश रलाई हैं अभी मैंने इसमें, ये रही किशमिश रलाई हैं ये अभी मैंने। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी गोंद, इसमें अभी मैं गोंद लेके आऊंगी, तो मैं भूल गई थी गोंद लाना, तो वो मैं गोंद लाई हूँ मैं गोंद। ये मैं गोंद इसमें भी कर रही हूँ, घी में भून रही हूँ, घी मैंने उसमें डाल दिया।
अभी मैं भून कर दिखाती हूँ आपको। पता नहीं कैसी गोंद है ये, मैंने घी में तल ली, पता नहीं कैसी लगेगी खाने के बाद। और इसमें सोट, अजवाइन और दखनी मिर्च है इसमें, और काली मिर्च, सब कुछ इसमें मिक्स है। पीस ली थी ये पहले मिक्सी से, इसमें अब मैं मिलाऊंगी इसको, और इसको भी मैं मिक्सी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। इसमें घेर दिया मैंने कनिया पीस के, और अजवाइन भी पीस ली थी साथ में, अभी ये मैंने इसमें घेर दिया। अब मैं इसमें गिर रही हूँ घी, अब इसमें मैं सारा घी घेरूँगी। ये मेरा बन के तैयार हो जाएगा। गाइस ये मैं बना चुकी हूँ, इसमें काजू, बादाम, किशमिश, सब चीज़ मैंने मिक्स करके, पहले तो घी में भुना था, मैंने आपके सामने दिखाया था, और मैंने ये सब मिक्स करके और घी में अजवाइन, दखनी मिर्च, काली मिर्च, ये सब मैं डाल के, और गोंद कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसकी कमर में दर्द रहता है ना, वो गोंद के लड्डू या ऐसी बना के केप का वो खाओ तो बहुत अच्छा रहता कमर दर्द के लिए। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को राधे राधे।